मार्वल फैंस जिस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो फाइनली रिलीज हो चुकी है। तो क्या ये मूवी एमसीयू की अब तक की सबसे बेस्ट मूवी है, और क्या इसे देखते वक्त आपको स्पाइडरमैन नो वे होम जितना ही मजा आएगा? चलिए डिस्कस करते हैं। और हाँ, ये एक बिल्कुल स्पॉइलर फ्री रिव्यू होने वाला है, तो आप वीडियो को एंडिंग तक देख सकते हो। Fuck yeah, I'm ready. I'm the Wolverine. डेडपूल एंड वुल्वरीन, जिसे हम डेडपूल 3 भी कह सकते हैं। कहानी के बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसमें भी आपको स्पॉइलर मिल सकता है। बस इतना जरूर बता सकता हूँ जो बात ट्रेलर में भी दिखाई है, जब डेडपूल 2 में डेडपूल ने टाइम ट्रैवल किया था, उसके बाद टीवीए की नज़र डेडपूल पर पड़ी। टीवीए कौन है ये जानने के लिए आपको लोकी का सीजन 1 और सीजन 2 देखना होगा। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि डेडपूल 2 की इवेंट्स की वजह से ही डेडपूल की एंट्री एमसीयू में हुई है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वुल्वरीन यानी कि ह्यूज जैकमैन यहाँ पर कैसे आया, तो यही जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। और हाँ, मूवी में बहुत सारे कैमियोज हैं, जिनमें से एक भी मैं आपको यहाँ पर नहीं बताने वाला। और ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ कैमियोज की वजह से अच्छी है, मूवी की अपनी एक स्टोरी भी है जहाँ पर यह इमोशनल भी हो जाती है। डायरेक्शन मुझे बेहतरीन लगा, डायरेक्टर ने हर एक सीन को बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया है। अगर आप फैंस के साथ मूवी देखोगे तो आपको वन ऑफ द बेस्ट थिएटर एक्सपीरियंस मिलने वाला है। एक्शन सिक्वेंसेस तो कमाल के हैं, जो बहुत जगह पर आपको बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं। एक्शन सिक्वेंसेस में भी आपको कॉमेडी देखने को मिलेगी, और मूवी में बहुत सारा खून खराबा भी है। हाँ, ये ए रेटेड और आर रेटेड दोनों है, और पहली ऐसी एमसीयू की मूवी है जिसमें आपको इतना सारा खून खराबा देखने को मिलेगा। और डेडपूल के पहले दोनों पार्ट्स की तरह ही ये उतनी ही कॉमेडी है, मैं तो कहूँगा उससे भी ज़्यादा। मूवी में सेंस ऑफ ह्यूमर कूट कूट कर भरा है, जहाँ पर रायन रेनॉल्ड्स आपको हर एक सीन को एंजॉय करता हुआ दिखेगा। फॉक्स यूनिवर्स, डिज्नी और मार्वल को लेकर ऐसे जोक्स है जो आपको ज़रूर हंसाएंगे। शुरुआत में तो मूवी बहुत ही ज़्यादा फास्ट पेस्ट पर चलती है, और वो सब कुछ देखने में आपको मज़ा ही आता है। हालांकि सेकंड एक्ट में ऐसा नहीं होता, और सेकंड एक्ट में मूवी आपको इमोशनल भी करती है। थर्ड एक्ट में आपको उतना ही मज़ा आता है, और थिएटर से आप खुश होकर ही बाहर निकलते हो। ऐसा भी नहीं है कि मूवी बिल्कुल परफेक्ट है, मूवी की पेसिंग में मुझे इश्यूज ज़रूर लगे। मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पर भी कैमियोज और बेस्ट सीन्स है, उन्हें एंजॉय करने का समय नहीं मिल पाता। और कुछ सीन्स ऐसे भी है जहाँ पर ज़्यादा समय दे दिया है, जितनी ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा एक दो जगह पर हमें एक्शन भी फोर्सफुल नज़र आता है, जिसका स्टोरी से कोई कनेक्शन नहीं था। खैर, ऐसे माइनर छोटे इश्यूज होने के बावजूद भी मूवी आपको कहीं पर भी डिसअपॉइंट नहीं करती। परफॉर्मेंसेस तो सभी के बढ़िया है, रायन रेनॉल्ड्स ने हमेशा की तरह बेहतरीन एक्टिंग की है। ह्यूज जैकमैन का काम भी उतना ही इफेक्टिव है, जहाँ पर उसके कुछ डायलॉग्स भी आपको याद रह जाएंगे। मूवी की विलन कैसेंड्रा नोवा आपको खतरनाक जरूर लगती है, लेकिन यह विलन ऐसी भी नहीं है कि आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगी। लेकिन हाँ, उसने भी बहुत बढ़िया काम किया है, और उसकी माइंड रीडिंग वाली पावर्स काफ़ी डेंजरस है। मूवी सिर्फ 2 घंटा और 7 मिनट की है, जिसमें आपको एक एंड क्रेडिट सीन भी देखने को मिलेगा। मतलब क्रेडिट्स खत्म होने के बाद भी एक सीन है, उसे भी आप ज़रूर देखना। हिंदी डबिंग अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं रेकमेंड करूँगा कि हो सके तो आप इसे इंग्लिश में ही देखना। मूवी को ए सर्टिफिकेट मिला है, तो बच्चों के साथ देखने जैसी तो यह नहीं है। स्क्रीन प्ले को इम्प्रूव किया जा सकता था, लेकिन सिनेमाटोग्राफी बढ़िया है। ओवरऑल दोस्तों, मार्वल फैंस मूवी को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं, और दोबारा आपको स्पाइडरमैन नो वे होम जैसा मज़ा मिलेगा। मतलब जैसे कि स्पाइडरमैन नो वे होम स्पाइडरमैन के कैरेक्टर्स के लिए ट्रिब्यूट थी, उसी तरह डेडपूल एंड वुल्वरीन भी एक्समैन के कैरेक्टर्स के लिए ट्रिब्यूट है। बेस्ट मूवी है, इसे आप थिएटर में ही देखना, इसे आप किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकते। मैं इस मूवी को दूंगा 8 out of 10। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी एक बार चेकआउट जरूर करना। 'Cause I've been living life right like I